हाय गाइस, आज हम बात करेंगे बशीर के बारे में। फाइनली बशीर ने इस वक्त फेस पे नैना ब्रिजुला के बारे में बात की है, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ भी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे कि आप सबको पता है अभी बशीर एस ऑफ स्पेस के शो में है एंड वो जैक साइड पे चले गए हैं एंड लुसिंडा किंग साइड पे है। तब जैक साइड पे बशीर क्रिजान से बात कर रहे थे कि मैं इस साइड आ गया क्योंकि मुझे पता था लुसिंडा इधर एडजस्ट नहीं कर पाएगी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने कम टाइम में किससे अटैच हो जाऊँगा और किसके लिए इतना सब करूँगा। एंड बशीर ने ये भी कहा कि आई नेवर थॉट कि रियलिटी शो में कभी लव मिल सकता है, बट अभी इधर देखो आई एम दी फर्स्ट वन जिसने ये सब स्टार्ट किया। जैसे ही बशीर ने ये स्टेटमेंट बोला रियलिटी शो का, तब क्रिजान ने उसको बोला कि बट स्प्लिट्सविला पे तुम्हारा जो कनेक्शन था वो क्या था, बिकॉज वो भी रियलिटी शो ही था ना। जिस पे बशीर ने क्रिजान को एक स्माइल दिया एंड आंसर में नहीं करके नॉड किया। उसने बोला वो सीरियस नहीं था, वो जस्ट शो के लिए था, बट अभी जो मेरा लुसिंडा के साथ है दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। तो इट्स क्लियर कि नैना एंड बशीर वर नॉट रियली इन लव, वो सिर्फ शो के लिए एक साथ थे सो दैट वो शो में आगे बढ़ सके, जिस वजह से नैना ने कभी भी स्प्लिट्सविला ख़त्म होने के बाद बशीर के दूसरे रिलेशन पे रिएक्ट नहीं किया जैसे दिव्या ने प्रियांक के रिलेशन पे किया था, बिकॉज वो एक साथ कभी थे ही नहीं। एंड शो के बाद दोनों ने डिक्लेयर किया कि ब्रेकअप हो चुका है एंड वो अभी सिर्फ फ्रेंड्स है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि बशीर को नैना जो स्प्लिट्सविला में थी उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए था कि नहीं, एंड क्या सारे स्प्लिट्सविला की जोड़ी जस्ट नेम सेक के लिए साथ में होती है, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।